राइनोप्लास्टी प्रोसीजर से अगर हम नटशेल में बात करें तो आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप राइनोप्लास्टी कराते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है तो? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक अगर आप सोच रहे हैं राइनोप्लास्टी कराने का, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है आपकी नोज़ में, नोज़ की शेप में या फेशियल प्रोपोर्शंस में, जो आपको बॉदर कर रहा है और आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है। तो जब आप राइनोप्लास्टी कराते हैं, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं, एक्सपीरियंस सर्जन से कराते हैं और नोज़ की शेप अच्छी आती है, तो आप एस्थेटिकली या एक जिसे कहते हैं कि देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बेटर लगते हैं, आपकी नोज़ आपके फेशियल प्रोपोर्शंस के हिसाब से लगती है, आप बेटर फील करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक ज़्यादा अच्छे तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। सो इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, ये हर केस में नहीं किया जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही किया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा जो इसका एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो रिजल्ट्स होते हैं सर्जिकल राइनोप्लास्टी की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट होते हैं, लेकिन जब हम नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी या लिक्विड राइनोप्लास्टी की बात करते हैं, जो कि डर्मल फिलर्स से होती है, इंजेक्शन से होती है, उसके रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते हैं और करीबन कुछ सालों तक ही लास्ट करते हैं और आपको वापस वो करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड राइनोप्लास्टी की, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है और बहुत ही क्विक रिकवरी होती है। एक OPD या डे केयर प्रोसीजर होता है, सर्जरी करा के राइनोप्लास्टी सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। राइनोप्लास्टी से संबंधित आपके पास यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। थैंक यू।